नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अपला। बीते सोमवार भारत सरकार ने, या यूं कहें कि केंद्र सरकार ने, नागरिकता संशोधन कानून, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसे लागू कर दिया है। कई महीनों से ये बात साफ कही जा रही थी कि सीएए कभी भी लागू हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सीएए लागू कर देना केंद्र सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। वहीं सीए कानून लागू होने के बाद कई लोगों के अंदर कई तरीके के सवाल हैं। कई लोगों के सवाल ये हैं कि क्या सीए लागू होने के बाद सभी को कागज दिखाने होंगे। इसके कुछ जवाब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो ये नागरिकता संशोधन कानून है, ये लागू उन्हीं के लिए होगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं, शरणार्थी हैं, और जिन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दरअसल सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सीए आखिरकार क्यों लाया गया और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इसके नाम से जाहिर है कि इसे नागरिकता देने के लिए लागू किया गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग ही सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है भारत सरकार। ऐसे ही तमाम शरणार्थियों के लिए नागरिकता कानून लाया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये सीएए कानून के तहत है। भारत में 5 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी छूट भारत सरकार ने दी है। अब इस पर विवाद क्यों हो रहा है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सवाल ये है कि आखिर इस कानून को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल सीएए के तहत मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान इस कानून में नहीं रखा गया है। यही विवाद की असली जड़ है। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में किसी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में शरण लेने के 11 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन वो भर सकते हैं। ये उनके लिए जो एक क्राइटेरिया है ये रखा गया है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएए के बाद सभी को कागज दिखाने होंगे। तो हम इसका जवाब आपको बता देते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ये बहुत बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं कि सीएए कानून का, जो पहले से भारत के नागरिक हैं, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आईडी बनी हुई है, वो भारत के ही नागरिक हैं और उन्हें कागज दिखाने की जरूरत नहीं। हालांकि ये बात भी आपको बता दें कि इसका जवाब ये भी सामने आ रहा है कि ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों से भारत आए हैं और नागरिकता की गुहार लगा रहे हैं। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत नागरिकता का पूरा अधिकार है और ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। वही कागज दिखाने का तर्क देने वालों को का ये कहना है कि सीए के साथ ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी को भी सरकार की तरफ से जल्द ही लाया जाएगा, जिसमें उन लोगों को परेशानी होगी जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार जो दस्तावेज मांग रही है वो सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में लाखों लोगों पर नागरिकता खोने का खतरा होगा। इसके लिए असम में हुए एनआरसी का जो तर्क दिया जाता है, जिसमें करीब 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से बाहर थे, यहां पर इस वजह से इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। एक बार हम आपको फिर बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का असर भारत के किसी भी नागरिक पर नहीं होगा। अगर सरकार एनआरसी को लेकर आती है भविष्य में, तो सरकार जो उचित दस्तावेज मांगेगी, आपको वो दस्तावेज दिखा देने हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या जो भी प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद है, आप उसे दिखा दीजिए, आप देश के ही नागरिक बने रहेंगे। ये इस कानून के तहत बताया गया है। खास बात यह है कि ये जो कानून जब आता है तो इसकी असली जड़ भी हमने आपको बताई। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब 2019 लोकसभा चुनाव जीता था, तो उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि 19 जीतने के बाद हम सीएए लागू करेंगे, और अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सरकार का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रह रहे कुछ गैर मुस्लिम समुदाय के लोग सालों से भारत की नागरिकता के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये उनके लिए भी एक बड़ी संजीवनी बूटी साबित होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।